ओके नाउ क्वेश्चन नंबर वन डीवाई बाय आपका पीडीएफ है राइट है ना, उसमें से देखो क्वेश्चन नंबर वन. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस मटेरियल प्राइस वेरियंस एंड मटेरियल यूसेज वेरियंस. यहाँ पे स्टैंडर्ड्स है एक्चुअल्स है. मटेरियल 1000 kgs देके रखा है, येस और नो? मटेरियल का वैल्यू कितना देके रखा है? 1000 kgs, 12 per kg, 900 kgs, 16 per kg. क्वेश्चन में क्लियरली अवेलेबल है. अच्छा मुझे बता इस क्वेश्चन में आपके पास ये दिया है क्या कि वॉट इज आर एक्चुअल प्रोडक्शन? नहीं दिया ना, तो डायरेक्टली हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. पहला टेबल, फर्स्ट टेबल क्या बनता है बताओ? पहले टेबल का हेडिंग क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. याद है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. जिस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है, नहीं दिया तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क बराबर है. फर्स्ट निकाला हम लोगों ने, तो इसमें चाहिए हम लोगों को पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट एंड व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्ट. सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? मटेरियल. हाँ या ना, मटेरियल का क्वांटिटी चेक करो कितना है. खुद उन्होंने दे दिया है. स्टैंडर्ड का क्वांटिटी कितने का है? 1000. स्टैंडर्ड का रेट कितने का है? 12. मल्टीप्लाई करके आएगा 12000. ठीक है, फिर बी क्या बनेगा? एक्चुअल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. सही है, उसमें आएगा एक्चुअल आउटपुट. आएगा कि नहीं? एक्चुअल आउटपुट कुछ नहीं दिया, नो प्रॉब्लम. पर्टिकुलर्स है, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल रेट है एंड एक्चुअल कॉस्ट है. एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 900 एंड रेट कितने का है बोलो? 16. और यहाँ पे रहेगा मटेरियल. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 14,400. यस, सिंपल सम था, एकदम सिंपल पहला सम था. तो अभी आगे के तीन फॉर्मूलाज आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है. अभी मैंने रिकॉल के लिए टेबल बना के दिखाया. अभी जो सिंपल सम है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्वांटिटी है, रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यू गॉट द कॉस्ट. राइट है, ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू. कैलकुलेट द मटेरियल वेरियंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर 90 kg ऑफ द फिनिश गुड्स. मतलब 90 kg का फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 135 kg एट द रेट ऑफ 12 per kg एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज 81,000 kgs. तो ये दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट, यस और नो? देन एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ लीजिए लिया मटेरियल यूज. कितने का मटेरियल यूज करें आप लोग? 1,24,000 का. हाँ या ना, तो 1,24,000 बन गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी. देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, दिस इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट. यहाँ ध्यान दो, एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल है, एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल है. तो कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तब जाके क्या मिलेगा हम लोगों को? रेट मिलेगा. सही है, समझा? ओके, नाउ स्टैंडर्ड रेट इज डायरेक्टली गिवन. कितना देके रखा है स्टैंडर्ड रेट, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज योर स्टैंडर्ड रेट? 12. यस, सबका ध्यान कहाँ पे? ध्यान दो यहाँ पे. What is the standard rate? 12. तो standard rate तो मिल गया 12. Now how you can find out the standard quantity? Board पे ध्यान दो. Question number 2 का working note बता रहे हैं. क्या बोला गया? 90 kgs के finished goods को production करने के लिए 135 है ना? 135 kgs का raw material use होता है. How many units you are going to produce? 81,000 kgs finished goods हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए कितना? तो क्या बनेगा? 81,000 multiply by 135 divided by 90. जो भी कैलकुलेशन होगा वो 1,21,500. कितना आया? 1,21,500. यस, केजीस. एंड दिस इज योर व्हाट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 1,21,500 केजीस. आई होप नो डाउट. समझा कि नहीं समझा? सिंपल समझा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हिच हैज अडॉप्टेड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच. फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स 100 kg. क्या समझ में आया? स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स. मतलब 70 kg का फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए कितने केजीज का? 100 kg का. सेम लॉजिक, 70 के लिए 100 है ना, राइट? उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 1 per kg. तो स्टैंडर्ड प्राइस जो 1 per kg उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड रेट. जिनके पास टेक्स्ट बुक है ना, प्लीज वहां पे लिखो सेकंड पॉइंट के आगे SR. एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 kgs देके रखा है, ओके? उसके बाद ये एक्चुअल आउटपुट है. एक्चुअल मटेरियल यूज, कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं? 2,80,000 kgs. तो 2,80,000 kgs का जो एक्चुअल मटेरियल यूज कर रहा है, जो एक्चुअल क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2,52,000. दिस इज नोन एज व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट. तो एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट व्हाट? एक्चुअल रेट.
ओके, कोई मुझे बता सकता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन बताओ, 2,10,000 क्यों? देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम किए उसके तीन फॉर्मूलाज हम लोगों ने प्रॉपरली दिए राइट ना. अब हम लोगों को सीखने ऐसे क्वेश्चंस के जहां पे फाइव फॉर्मूलाज यूज होते हैं, एंड फाइव फॉर्मूलाज वाला सम तब होता है व्हेन वी आर हैविंग अ टाइप ऑफ मटेरियल या तो टाइप ऑफ लेबर. ऊपर वाले जो सम्स थे अभी तक उनमें कोई टाइप ऑफ लेबर था क्या, टाइप ऑफ मटेरियल था क्या, ए टाइप बी टाइप सी नहीं था. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल की अलग अलग कैटेगरीज है, और जब भी टाइप ऑफ मटेरियल आएगा तो वी कैन सॉल्व हाउ मेनी फॉर्मूलाज, फाइव फॉर्मूलाज. समझा? आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल हम लोगों को चाहिए 200 यूनिट्स का, बराबर ना. 200 यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड के लिए क्वांटिटी देके रखा है. मटेरियल में अवेलेबल है ए बी एज वेल एज सी, उसमें केजीज है 50, 100 एंड 100 केजीज, देन 12, 9 एंड 10 इज अ रेट. तो अगर ये जो रेट अवेलेबल है दिस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड रेट. इसी रेट को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 8000 यूनिट इज एज फॉलोज, तो एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट, तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक्चुअल्स का इन्फॉर्मेशन है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 8000 यूनिट. तो 8000 इज नोन एज अ व्हाट, एक्चुअल आउटपुट. यस, एक्चुअल आउटपुट. देन मटेरियल में एबीसी केजी से 2100, 3750 एंड 4150, एंड रेट पर केजी से डायरेक्टली गिवन. ये रेट पर केजी नहीं है, वो मिस्टेक है. रेट पर केजी थाउजेंड्स में नहीं हो सकता, दिस इज अ कॉस्ट है, बराबर ना. रेट पर केजी नहीं है, वो मिस्टेक किया हुआ है. ओके, चलो ध्यान दो यहाँ पे. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5. ओके, अब ध्यान दो यहाँ प्लीज. 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. उसके लिए चाहिए एक्चुअल आउटपुट. कितना है एक्चुअल आउटपुट? 8000 यूनिट. हाँ या ना? उसके बाद अगर करें देखेंगे यहाँ पे होगा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल. मटेरियल में हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है, ए बी एज वेल एज वन सी, है कि नहीं है. तो ए में कितना है चेक करेंगे, चलो ए बी एंड सी. ए में दिया उन्होंने हाउ मेनी यूनिट्स, 50 यूनिट. बट दिस 50 यूनिट इज गिवन फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 200. तो 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना होगा, तो मटेरियल ए का रिक्वायरमेंट है 50. तो अपने वर्किंग नोट बनाएंगे ए के लिए. 200 के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, 50 चाहिए. तो 8000 के लिए कितना, तो 8000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 200 करो कितना आता है, 2000. और ये आएगा 2000 केजी यूनिट. कुछ दिया है क्या, हाँ केजीज में आएगा. What is the rate directly given? 12. So 12 into 2000, 24,000. Then, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? 2 के लिए 50, तो 8000 के लिए कितना? 200 के लिए 50 दिया है ना? तो 8000 into 50 divided by 200 you got the quantity. Clear है? Standard quantity हमेशा इसी तरह से निकाला जाता है. अभी तक हम लोगों ने इतने questions किए, बराबर ना? अभी ये हुआ A के लिए. वैसे हम लोग calculate करेंगे B के लिए. 200 केजीज, 200 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए कितना केजी यूज हो रहा है, 100 केजीज यूज हो रहा है, राइट है. तो 8000 के लिए कितना क्या होगा फिर, 8000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 200 करो कितना आता है, कितना, 4000 बराबर ना. तो यहाँ पे आएगा 4000 केजीज, बराबर है. रेट इज हाउ मच, 9 करो, 36000. सी के लिए भी सेम कैलकुलेशन है, तो बी एंड सी के लिए क्या होगा, सेम ही आएगा. तो वो अमाउंट आएगा अगेन, क्वांटिटी कितना होगा, 4000 केजीज, रेट 10 है क्या, देन 40000.
अच्छा यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन में दिया है, प्लीज चेक करो एक्चुअल कॉस्ट फॉर 8000 यूनिट, दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट ना, वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है मिडिल वाले लाइन में, दो टेबल के मिडिल वाले लाइन में। अब समझ में आया? एनी डाउट? दिस इज अ टेबल फॉर स्टैंडर्ड्स, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस टेबल फॉर व्हाट? एक्चुअल्स। तो पॉइंट नंबर बी, एक्चुअल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, सही है? हम लोग एक्चुअल्स फाइंड आउट कर रहे हैं किसके लिए? एक्चुअल प्रोडक्शन के। उसमें क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, देन व्हाट? क्वांटिटी, एक्चुअल व्हाट रेट एंड एक्चुअल व्हाट कॉस्ट, सही है ना? इसमें क्या आएगा? मटेरियल ए बी एज वेल एज सी। व्हाट इज योर एक्चुअल क्वांटिटी बोलो? 2100 डायरेक्टली दिया है, 2100 केजीज, देन 3750, देन 4150 केजीज, राइट है? व्हाट इज द रेट? रेट दिया ही नहीं, कॉस्ट 28,000 व्हाट? 350, 30,000, 750 एंड व्हाट? 46,480, दोनों को डिवाइड करो, रेट मिल जाएगा आपको पता है ना अभी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे आएगा ए बी एज वेल एज सी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। What is the standard material cost for all these ABC? ऐसे ही लिखेंगे ना एक साथ। तो standard material cost देखो यहाँ पे दिया हुआ है। कितना है बताओ? 24,000, 36,000, and what? 40,000. Minus minus minus. क्या आएगा? Actual material cost कितना? 28,350. Then what? 30,750. And then what? 46,000. 480 माइनस करके उनका आंसर इक्वल टू करके बाहर ही लिख, बाहर ही लिखोगे। बताओ चलो 4350 कितना? 4350। नेक्स्ट एरिया एडवर्स, नेक्स्ट 5250, सही है क्या? हां। और ये फेवरेबल 6480 और ये क्या आएगा? एडवर्स। देखो अब इनका हम लोगों को टोटल करने का है, बराबर ना? इन टोटल को कैसे करेंगे? ध्यान दो बोर्ड पे जरा प्लीज, कैलसे पे डायरेक्ट कर सकते हो, निकालो कैलसे। पहला अमाउंट कितना है? 4350, लो कैलसे पे 4350, राइट? ये एडवर्स है, एक ऐसा ये उससे प्लस माइनस का साइन दो दिया, तो वो नंबर के आगे माइनस हुआ रहेगा, मतलब माइनस 4350 रहेगा, हाँ या ना? नेक्स्ट कौन है? फेवरेबल है। देखो जब फर्स्ट नंबर निगेटिव रहेगा ना, तो उसको उस इस बटन से हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच से हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन देंगे, बट आगे के लिए नॉर्मल वाले साइन। तो प्लस 5250 प्लस नॉर्मल वाला प्लस 5250 एंड नॉर्मल वाला माइनस 6480, नॉर्मल वाला माइनस किया 6000, हाँ माइनस कर दिया। नहीं समझ रहे तो बताओ ना, बताओ कैसे, यहाँ ध्यान दो, मैं बता दूँ सबको बोर्ड पर कैसे करेंगे। 4350 ये माइनस में, तो इससे माइनस का साइन दिया, देखो यहाँ है। अभी इसके बाद के नंबर्स यही से यूज करेंगे, ये वाला साइन यूज नहीं हो सकता, सिर्फ पहला माइनस रहेगा तो ये ऊपर वाला डाल यूज होगा। समझा कि नहीं समझा? अभी प्लस है तो प्लस 5250, राइट है? देन एडवर्स मतलब माइनस है, तो यहाँ से माइनस 6480 एंड देन इक्वल टू यू गॉट 5580 निगेटिव। अब समझ में आया? ओके तो यहाँ लिखेंगे 5580 और वो भी एडवर्स। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा? नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वाला फॉर्मूला बोलो, मटेरियल रेट वेरिएंस। रेट है तो ब्रैकेट के अंदर आर माइनस आर, जिसमें आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल, तो बाहर आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। नाउ वी आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ मटेरियल, यस और नो? साक्षी बोर्ड पे ध्यान दो, आपको क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन में मत देखो। ओके ए
बी सी इक्वल टू इक्वल टू और इधर एक्चुअल क्वांटिटी दिस वन है ना 2100 3750 3750 4150 यस ब्रैकेट 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 स्टैंडर्ड रेट ऊपर वाला 12910 माइनस 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 13.5 8.2 11.2 क्लोज 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 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल अब कॉल सॉल्व कैसे करेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो 12 minus 13.5 1.5 into 2100 3150 आया नेगेटिव आया एडवर्स लिखो डन हाँ या ना इसके बाद
कितना मिलेगा 4000 और C के लिए कितना आएगा सेम 4000 डिवाइडेड बाय 10000 इनटू 10000 इज इक्वल टू व्हाट 4000 चलो पुट करते हैं वैल्यूज स्टैंडर्ड रेट है 12 9 10 ओपन योर ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना मिला 2000 4000 एंड व्हाट सही है माइनस व्हाट एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 2100 आपको मिला 450 also. Now listen, fifth formula भी आएगा कौन सा मटेरियल यील्ड वेरिएंस इसका फॉर्मूला क्या बनता है स्टैंडर्ड रेट का स्टैंडर्ड रेट रिवाइज बस यहाँ पे आएगा यहाँ एक्चुअल्स आएगा समझा तो क्या करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी डन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए बी एज वेल एज सी रेट आएगा 12 9 एंड 10 ओपन योर ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 4000 एंड व्हाट 4000 व्हाट इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सी 2000 4000 4000 सेम है राइट कृतिका 2000 4000 4000 माइनस 2000 कितना आता है राइट अभिलाष 0 0 into 12 राइट है ना ओके समझा अभी इसका भी वेरिफिकेशन पॉसिबल है इनका वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे बोर्ड पे ना आपको एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला याद है आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टेबल सिखाया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की दो कैटेगरीज होती है कौन कौन सी मटेरियल रेट वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस और यूसेज का दो कैटेगरी था मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल रेट वेरिएंस सही है तो वेरिफिकेशन के लिए पहला फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल रेट वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस सही है लिखा हुआ अब ध्यान दो व्हाट इज द मटेरियल रेट वेरिएंस ध्यान मटेरियल रेट वेरिएंस का आंसर कितना था 5130 और ये माइनस था बीच में प्लस आया मटेरियल यूसेज वेरिएंस माइनस कितना था 450 यस और नो अभी माइनस 5130 प्लस माइनस माइनस 450 करो एडिशन करो इनका 5580 आएगा और ये माइनस आएगा सी 5580 बराबर कॉस्ट वेरिएंस का आंसर आया नेगेटिव एडवर्स हो गया पहला वेरिफिकेशन अब दूसरा वेरिफिकेशन जैसे इन दोनों का ये टू पार्ट्स है तो इनका प्लस मतलब इसका आंसर आता है सेम मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस दोनों का टोटल मतलब यूसेज आना चाहिए तो राइट है तो दूसरा वेरिफिकेशन मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस राइट है समझा कि नहीं ओके तो व्हाट इज योर मिक्स वेरिएंस बोलो 450 नेगेटिव प्लस का प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस 0 है आंसर कितना आया माइनस 450 देखो यूसेज है माइनस 450 समझ में आया किसी को कुछ डाउट है क्या राइट तो अगर क्वेश्चन में बोला पांचों करो तो आप इस तरह से कर सकते हो भले जीरो आ रहा है तब भी बराबर ना ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका ना अभी कौन सा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वाला खुद से भी कर सकते हैं चेक करो बहुत सिंपल सा 600 800 1000 ये हम लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी है स्टैंडर्ड रेट है अगेन एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट बराबर ना ना क्वेश्चन नंबर 7 अभी स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 100 केजीज ऑफ केमिकल ए इज गिवन बिलो 45 40 एंड 25 जहां पे मटेरियल एक्स एट द रेट ऑफ 4 पर केजी एंड मटेरियल वाई एट द रेट ऑफ 8 पर केजी एंड मटेरियल जेड एट द रेट ऑफ 12 पर केजी तो 4 8 एंड 12 आर द स्टैंडर्ड रेट हां या ना 4 8 and 12 is known as a what? Standard rate. यहाँ पे जो quantity आपको देके रखा है 45, 40, 25 this quantity is for 100 kgs. तो 100 kg के लिए 45 है तो actuals के लिए कितना मतलब 2000 के लिए कितना समझा चलो यहाँ ध्यान दे इसका वर्किंग नोट में बता रही हूँ सम आप सॉल्व करने वाले हो प्लीज हम लोगों को चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन कौन सा मटेरियल है देखा जाए तो तीन मटेरियल है कौन कौन सा एक्स वाई एज वेल एज वॉट जेड तो X के लिए क्या होगा अगर हम लोगों ने 100 केजीस का प्रोडक्शन किया है तो 100 केजीस का प्रोडक्शन किया तो कितना केजी यूज हो रहा है बोलो 45 राइट
तो 2000 के लिए कितना करो कैलकुलेट, 900 कितना आया, 900 केजीज, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्स, है ना। अब वाई के लिए बताओ, 100 केजीज के लिए कितना यूज कर रहे हैं, 40, तो 2000 के लिए कितना, 800, ये समझ में आया। और जेड के लिए क्या, 100 के लिए 25 केजी, 500 केजी, ये समझ में आया। और ये आपका मिल गया सीधा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब नीचे वो जो 1000 दिया ना, उसको नहीं लिया तो भी चलेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को जब टेबल बनाने का है, ये वेरिफिकेशन को रफ करो क्या, तो 7 का पूरा नीचे वाला ये वर्किंग नोट का वैसे चला। हां क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 ये हमारा नॉर्मल टेबल होता है, राइट। एक्चुअल आउटपुट कितने का है बोलो, 2000 यूनिट, राइट ना। उसका वर्किंग नोट देखो, वहां पे लिखा हुआ है पूरा 7 का। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर अगेन कंटिन्यूएशन में 7। अब मटेरियल में आएगा x y और z, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आएगा, 900 केजी x के लिए, 800 केजी y के लिए, 500 केजी z के लिए। रेट जो दिया है वो क्या रेट देके रखा था, 4, 8 and 12। तो यहाँ पे आएगा 4, 8 as well as 12, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट मिल जाएगा, आप करेंगे मैं नहीं करता, समझ में आता। तो ये जो नीचे का डेटा है उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, समझा कि नहीं, ओके। उसके बाद एक्चुअल्स मैंने को डायरेक्टली देके रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 1850 450 है, एक्चुअल रेट है 3.80 8.40 13, जस्ट मल्टीप्लाई करो, यू गॉट द कॉस्ट, डन, इजी है। एट वाला सम रीड कर लो प्लीज, मैं सम नंबर बता रही हूँ, वो सारे रीड कर लो और मुझे बताओ कर सकते हो क्या। एट है, देन नाइन्थ वाला सम मैंने कल सिखाया था उसी टाइप का है, एंड टेंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, सब लिख लो, 14, 15, कैलकुलेट ऑल लेबर वेरियंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, पर्टिकुलर है स्टैंडर्ड आवर्स है, ओके, स्टैंडर्ड आवरली रेट है, एक्चुअल आवर्स है, एक्चुअल आवरली रेट है। तो स्टैंडर्ड आवरली रेट मतलब स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवरली रेट मतलब एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर मतलब एक्चुअल आवर्स मिलेगा। एंड स्टैंडर्ड आवर्स में जरा ऑब्जर्व करो नीचे, स्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड लेबर है टोटल देके रखा है, एंड आउटपुट बोला है 108, मतलब 108 के केजीज के लिए ये आवर्स है, बट एक्चुअल्स में 1760, 2640, इनका टोटल 4400 एंड दिस इज गिवन फॉर 90 केजीज। अपना आउटपुट सेम है क्या, नहीं। अभी देखो इसमें होगा क्या, बोर्ड पे ध्यान देना, सबसे पहले हम लोगों को टेबल बनाने के, कौन सा वाला बोलो, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ए स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसमें आता है एक्चुअल आउटपुट, बोलो कितना एक्चुअल आउटपुट, 108 केजी। हाँ अभी देखो स्टैंडर्ड में एक आउटपुट है और एक्चुअल में एक है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड तो कुछ भी दे रहे थे, वो तो प्लानिंग है, एक्चुअल आउटपुट कौन सा कंसीडर करेंगे, 90। तो हम लोगों को अभी एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना लिखना चाहिए, 90 केजी, समझ में आई ये वाला पॉइंट। स्टैंडर्ड मतलब प्लानिंग होता है, स्टैंडर्ड में उन्होंने आउटपुट देके रखा है 108 केजी दिया है ना, बट हम लोग जितना प्लान किया उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, नहीं, एक्चुअली कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 90 केजी का, तो एक्चुअल आउटपुट भी कितना कंसीडर करेंगे, 90 केजी। ये पॉइंट समझ में आया, ओके गुड। फिर आएगा व्हाट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पे क्या होगा, लेबर, लेबर में बोलो कौन कौन सा कैटेगरी है, स्किल्ड है, देन सेमी स्किल्ड है, देन
आउटपुट के लिए देखे रखा है, तो अभी आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। बोर्ड पे ध्यान दो, स्केल्ड के लिए 108 केजी के लिए अगर 880 आवर्स यूज होता है, हाँ ना, तो 90 के लिए कितना, सॉरी समझा कि नहीं, राइट है, करो कैलकुलेट, 90 इनटू 880 डिवाइड बाय 108 कितना आता है, 83.333 ऐसा है आपका। एक मिनट मिस्टर गेंग का मैम इधर 2 लिखा है, 2000, हां मिस्टर गेंग का ऊपर का नंबर 2880 नहीं है, ओनली ये है 2880 है, अब निकालो 90 के लिए कितना, 2400 ये मिस्टेक है, कैसे समझा पता है, आप टोटल करके देखो ना 4800 है नीचे, तो 1980 4000 नहीं हो सकता, तो उसके लिए वो मिस्टेक था, ये समझा 2400 यस और नो, तो ये 2400 यहाँ पे आया सही है। Then what is the standard rate already given? 20. दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे बाद में लिख देना। Same calculation for the semi-skilled. Semi-skilled के लिए भी सोचोगे, अगर 108 kg का production करेंगे, तो semi-skilled के जो hours है, वो है 1920. तो 90 kg के लिए कितने hours required है? 19 into 1920 divided by 108. 1600 what? Hours. तो हम लोगों ने लिखा रहा 1600, ये भी hours है, ये भी hours है। And what is the rate? 10. तो just multiply करके ये दोनों आएगा, actual का data direct आएगा, समझ में आया? मतलब यहाँ पे जो standard का output दिया वो ज़्यादा दिया, but again same logic, आपको actual output के लिए standards चाहिए, तो standard के लिए इतना आता है, तो actuals के लिए कितना, और वो calculate करके use किया।